हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप इंडियन बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्रोम ब्राउज़र को यहां पर ओपन करेंगे। आप ये प्रोसेस कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, मैं यहां पे मोबाइल फ़ोन से आपको करके दिखा रहा हूं। तो यहां पर देख सकते हैं मैं इस वेबसाइट पर ऑलरेडी लॉगिन हो रखा हूं। आपको इस वाली वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके इस वाली वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो देखिए, इस वेबसाइट पर आने के बाद इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप से दिखाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए जब आप वीडियो कॉल के लिए कनेक्ट होंगे। तो देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। देन तीसरे स्टेप में आपके पास एक वाइट पेपर होना चाहिए जिस पे आपको ब्लू पेन से साइन करके दिखाना होता है। तो ये सारा प्रोसेस आपको वीडियो कॉल के दौरान करना होगा। तो चलिए इसे हम क्लोज कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल में आना होगा। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। जैसे कि नेम वाले बॉक्स में आएंगे, सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना होगा। आपको ध्यान में रखना, वही नेम फिल करिएगा जो आपके आधार कार्ड या डॉक्यूमेंटेशन में डाला हुआ है। उसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। देन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में आप एक मेल आई डी फिल कर दीजिएगा अपना। नीचे वाले बॉक्स में आएंगे, यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड फिल करना होगा जो नीचे आपको दिया गया है। ये कैप्चा कोड फिल करना होगा। अगर कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आता तो आप इस पर रिफ्रेश इमेज पर क्लिक करके कैप्चा कोड ऐसे आप कैप्चा कोड यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जब आप फिल कर लेंगे, आपको इस तरह से इन सारे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना होगा। सारे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद सिंपली आपको सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे, देखिए इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप सा आएगा। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजा है, ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो हम यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर एक बॉक्स सा आएगा, इस बॉक्स में आपको ओटीपी फिल करके आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना होगा। ओटीपी फिल करने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई ओटीपी पर इस तरह से क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है, ओटीपी हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। उसके बाद हमको यहाँ से ओके करना होगा। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में आ चुके हैं। यहाँ पे अब आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद सिंपली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आधार कार्ड नंबर जैसे आप फिल कर लेंगे तो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो हमें सिंपली यहां से ओके कर देना है। उसके बाद इस वाले बॉक्स में आप ओटीपी फिल कर देना होगा। देन वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना होगा। जैसे आप आधार कार्ड का ओटीपी फिल कर देते, देखिए आपके आधार कार्ड से सारा डाटा यहाँ पर फैच कर लेगा। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आपको शो करेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल नीचे साइड आना होगा और यहाँ पे जो जो डिटेल्स फिल नहीं है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे कि सबसे पहले सेलेक्ट स्टेट में आएंगे और यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। देन यहाँ पर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो हम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए सेलेक्ट ब्रांच का ऑप्शन मिलेगा, हमें इसके ऊपर क्लिक करना होगा और अपने नियर बाय का आप ब्रांच यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जो भी आपके एरिया के आसपास ब्रांच होगा वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट मैरिशियल स्टेटस। अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं सिंगल हूँ, सिंगल चूज कर लूँगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको फादर नेम या फिर स्पॉस नेम फिल करना होगा, तो हम यहाँ पे अपना फादर नेम फिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आना होगा, यहाँ पे आपको अपना मदर नेम फिल कर देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा, तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर तीन तरह का ऑक्यूपेशन दिया गया, स्टूडेंट, रिटायर्ड पर्सन या फिर एनी अदर्स। हम यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे साइड आपको एनुअल इनकम फिल करना होगा। एनुअल इनकम यानी सालाना जितना आपका इनकम बन जाता हो आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। उसके बाद आपको नीचे साइड आना होगा, इस वाले बॉक्स में आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है। पैन कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। कार्ड वेरीफाई होने के बाद देखिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया जाता है, प्लीज टिक इफ कम्युनिकेशन एड्रेस आधार इज सेम एज करेंट एड्रेस। तो इसका मतलब आप ध्यान समझिए, अगर आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस डला हुआ है वही आपका करेंट एड्रेस है, तब आपको इस वाले बॉक्स पे टिक करना होगा। जो आपका आधार कार्ड एड्रेस है वो आपके एड्रेस से डिफरेंट है, आप कहीं और रह रहे हैं लेकिन आधार कार्ड कोई और एड्रेस है, तो आपको इस बॉक्स पे टिक नहीं करना होगा, नीचे न्यू एड्रेस फिल करना है। जैसे कि मेरा आधार कार्ड वाला एड्रेस मेरे करेंट एड्रेस से सेम है, तो यहाँ पर मैं इस पर टिक कर दिया हूँ। उसके बाद आपको नीचे साइड आना होगा और यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपके नंबर पर एक यहाँ पर लिंक भेजा जाएगा, जो आपने नंबर रजिस्टर्ड किया था उस नंबर पर एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक को आपको यहाँ से ओपन करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये लिंक आ चुका है, मुझे इस लिंक पे बस क्लिक करना होगा। जैसे इस लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए हमारा वीडियो QIC का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर सिंपली वीडियो QIC करना होगा। हमारा सारा स्टेप हो चुका है।
तो जैसे आप उस लिंक को ओपन करते हैं, इस तरह से आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे साइड आना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने नेम का टाइटल चूज करना है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर नेम और आपकी बाकी डिटेल्स ऑलरेडी फिल रहेंगी जैसा कि आपने फिल किया था। आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आना है। तो आपको सिंपली नीचे साइड आना होगा और यहाँ पर देखिए 24th ऑप्शन में आना है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है चेकबुक रिक्वायर्ड। अगर आपको चेकबुक चाहिए तब आपको येस वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा जिससे चेकबुक आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए। ये जैसे आप नो पर क्लिक करते देखिए यहाँ पर मिनिमल बैलेंस इन्फॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है। तो अगर आप मेट्रो अर्बन एरिया से हैं तो आपको यहाँ पर 2500 रुपये मेंटेन करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप चेकबुक नहीं लेते तब आपको 1000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चेकबुक ले रहे हैं तब आपको 2500 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंट में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम ओके कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नॉमिनी नेम में आएंगे, नॉमिनी बना लेना है। अपने अकाउंट में जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हो उस नॉमिनी का नेम फिल कर देंगे। उसके बाद नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। देन यहाँ पर 26th ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पर्पस ऑफ अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट आप क्यों ओपन करना चाहते हैं वो पर्पस आपको बताना होगा। तो हमें इसके ऊपर क्लिक करना है और इनमें से कोई भी एक रीज़न चूज कर लेना होगा जैसे कि एक्सपेंस या सैलरी क्रेडिट या फिर पेंशन या कोई भी अदर रीज़न हो सकता है। तो हम यहाँ पर पर्सनल सेविंग चूज कर लेते हैं। सारे डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे देखिए आपसे यहाँ पर परमिशन मांगा जाएगा। आपको लोकेशन परमिशन अलाउ कर देना है। कैमरा परमिशन मांगा जाए तो आपको कैमरा परमिशन भी इस तरह से अलाउ कर देना है। उसके बाद देखिए फिर से आपसे वॉइस परमिशन मांगा जा रहा है तो आपको वॉइस का परमिशन भी अलाउ कर देना है। तो देखिए जैसे आप इस सारे परमिशन को अलाउ कर देते हैं तो यहाँ पर इस तरह से टिक लग जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसीड पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं आपका वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा, उनके एजेंट से कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद एजेंट आपसे कुछ से यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स पूछेंगे, वो पर्सनल डिटेल्स आपको उनको बताना होगा। सारा डिटेल्स आपका सही रहता है उसके बाद आपसे एक साइन कराया जाएगा और आपको एक पैन कार्ड का फोटो आपसे मांगा जाएगा। तो सारे डिटेल जैसे आप शेयर कर देते हैं उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन कर दिया जाता है और 1 से 2 घंटे में आपका अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद इस अकाउंट का आप यूज कर पाएंगे। तो जैसे आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद आपको प्ले स्टोर में आना है और यहाँ से आपको इंडियन बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड कर लेना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर इंडियन बैंक सर्च करना होगा। तो देखिए यहाँ पे इंडियन बैंक आ चुका है। उसके बाद देखिए इंडियन बैंक के बैंकिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद देखिए इस ऐप को आप आसानी से यूज कर सकते हैं और आप UPI वगैरह सारी चीज़ आसानी से कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉमेंट करके जरूर पूछिएगा।